अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, पेट दुखना ये जो रोग है ये किस प्रकार का रोग है, ये दर्शकों को बताएं। देखिए बेटा, ये हमारे जीभ का टेस्ट है। जब हम जीभ को टेस्ट देंगे अच्छा, तो अंदर जाके वो टेस्ट जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे खाए पिए बैठता है, लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्रीज उसको इंसुलिन नहीं बनाती, फिर आंतों के अंदर जब ये खाया पिया सड़ता है तो गैस दिमाग में चढ़ती है और पेट के अंदर भी घूमती है, तो बहुत जैसे सुइयां चुभती है ऐसे दर्द होता है, फिर इसमें सुड्डे बन जाते हैं। जैसे ऊँट मेंगने करता है ऐसे अंदर गोल गोल गिल्टें बन जाती हैं। हमारी दोनों आंतें बड़ी और छोटी मिला के 36 फुट लंबी हैं। अब इसमें से एक दिन में सिर्फ 12 फुट साफ होती है। जो आज हम खाएंगे आज से तीसरे दिन वो बाहर आता है। जब पानी की कमी होती है और ये चीज़ें अंदर जाके सूखती हैं तो आंतों में इतना भयंकर दर्द होता है कि कई बार जैसे ब्लेड का चीरा लगा के दर्द होता है ऐसे होता है। मेडिकल साइंस में तो इसको इंजेक्शन लगा देते हैं, सुन कर देते हैं ताकि उसको पता नहीं लगे, बस इतना काम है। परंतु आयुर्वेद में इंजेक्शन लगाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, इंजेक्शन तो है नहीं आयुर्वेद के अंदर। परंतु जो आजकल हमारे आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, इनको अपने इलाज के ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे अपने इलाज पर विश्वास है क्योंकि मैं 10,000 जड़ी बूटियाँ जानता हूँ जिनसे मैं उपचार करता हूँ। मेडिकल साइंस जिस रोग को 10 मिनट लगाती है कंट्रोल करने में, मैं उसी रोग को 5 सेकंड के अंदर कंट्रोल करता हूँ। ये मेरी दवाइयों की विशेषता है। अब जब आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पैंक्रीज इंसुलिन नहीं बना रहे, लीवर पचा नहीं रहा, तो आपको चाहिए यदि आपके पास ताज़े आंवले तो सबसे बढ़िया। ताज़े आंवले नहीं है तो सूखे आंवले लेके उसको कूट के पीस के छान करके 10 ग्राम उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर के अंदर 20 ग्राम शहद मिला दें और कम से कम आधा नींबू पका हुआ पीले रंग का उसमें निचोड़ दें। अब एक गिलास पानी गर्म करके नीचे उतार लें। जब वो पानी आपका 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो अब ये जो आंवले का आपने चूर्ण बनाया जिसमें शहद और नींबू मिलाया है, इसको थोड़ा थोड़ा चाटते जाएं, ऊपर से पानी को इसको पीते जाएं। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पीना है। तो जितने में आप 10 ग्राम ये आंवले का पाउडर शहद में मिलाए हुआ चाटेंगे और पानी का गिलास पियेंगे, आपका दर्द गायब। चाहे आपको कितना भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद आपको खुल के पेट साफ होगा और बड़ा बदबूदार अंदर से मल निकलेगा। इसमें पेशाब भी पेट साफ होने के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। अब इस क्रिया को कम से कम 15 से 20 दिन तक अब दोहराते हैं तो आपके पेट के दर्द का नामोनिशान नहीं रहेगा। परंतु एक बात पर ध्यान देना कि दिन का खाना 10 से 12 के अंदर खाएं, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाना, बिल्कुल ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाते तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे आटे में खमीर डाल के आटा एकदम खौल जाता है, ऐसे आपका खाना अंदर पचेगा, लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्रीज इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दे आपका साफ
टट्टी पेशाब खून लग लग करके पैंक्री को देगा खून, पैंक्री दिल को देगी, दिल पूरे शरीर में भ्रमण कराएगा साफ करके, और आप रोग मुक्त रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि हमारा शरीर का हर अंग सोता है, परंतु दो अंग जब से इंसान या जानवर या कोई भी प्राणी पैदा होता है, उस टाइम से लेके जब तक उसके सांसरण निकले तब तक ये दो चीज़ें 24 घंटे लगातार काम करती है, वो है फेफड़ा और दिल। फेफड़ा ऑक्सीजन लेगा, दिल को देगा, दिल उस खून को साफ करेगा और शरीर में भ्रमण कराएगा। आप चाहे निंद्रावस्था में, चाहे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये किसी टाइम भी रेस्ट नहीं करते। और इनके अंदर की विशेषता है कि यदि आपका खून बिल्कुल प्योर और शुद्ध है तो आप जो मर्जी कार्य करें आपको कभी थकावट नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। परंतु जब आपके खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो आपको पैर के तलवे से सिर के बाल तक कोई भी रोग हो सकता है। परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार में किसी भी रोग को स्थायी नहीं माना गया, सब रोग अस्थाई है। जैसे खेत में से गाजर मूली निकाली जाती है, ऐसे ही स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग को समाप्त किया जाता है। अब जैसे अब इस टाइम कच्चा आंवला आ रहा है, कच्चे आंवले का रस निकाल लो आप 15 ग्राम या 20 ग्राम, जितना आंवले का रस है इतना ही आप उसमें शहद मिला दें, अभी दोनों दोगुने हो गए। अब इसके अंदर आधे नींबू से ज़्यादा रस नहीं मिलाना, परंतु नींबू पका हुआ होना चाहिए। अब इसमें हमें पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जो पानी हम पीते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसी को छोटे छोटे घूंट लेके चुस्का लेके पिएंगे तो थोड़ा सा दांतों में खटासपन तो आएगी, परंतु गले से लेके और गुदा तक पूरी आंतें ऐसे साफ होगी जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतार के लोहा चमकता, ऐसे चमक आ जाएगी। और आपका खाया पिया ऐसे पचेगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्चिस की तिल्ली जला के समाप्त करती, इस प्रकार वो खाना पीना पच के। और सुबह आप चाहे 12 बजे भी सोएं तो 4 बजे उठना ही पड़ेगा, 4 बजे का अलार्म इसमें परमानेंट है। 4 बजे एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा, और सारा दिन शरीर ऐसे फ्रेश रहेगा कि पता नहीं कितने के गर्म पानी से आप नहा करके थके हुए फ्रेश हो गए, ऐसे शरीर फ्रेश रहे।